बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुनीर अहमद। कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 5418। आज हम इस कोर्स के यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के पार्ट 2, जिसका टाइटल है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट्स क्या हैं। हम इस प्रोग्राम में किन एरियाज़ को डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम में हम इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, डेट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, एंड एट द एंड वी विल डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज एंड अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। तो अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द मोटिवेशंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स, कि कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स क्यों करती हैं। उसकी तीन रीजंस हैं। नंबर एक, कंपनीज ट्रांसफर एक्सेस कैश इनटू इन्वेस्टमेंट्स टू प्रोड्यूस हायर इनकम, कि कंपनी एक्सेस कैश को ट्रांसफर कर देती हैं हायर इनकम प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि जो आइडियल कैश है उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया जा सके। सेकंड रीज़न है कि कंपनीज़ इन्वेस्टमेंट करके हायर इनकम प्रोड्यूस करना चाहती हैं, जैसा कि म्यूचुअल फंड्स में, पेंशन फंड्स में। ये वो फंड्स हैं जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं टू प्रोड्यूस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड है, कंपनीज़ मेक इन्वेस्टमेंट्स फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट्स इन कंपेटिटर्स, सप्लायर्स एंड इवन कस्टमर्स, के जो कंपेटिटर बिजनेस हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना, सप्लायर्स जो हैं उन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना ताकि सप्लाई साइड स्ट्रॉन्ग हो जाए, कस्टमर्स कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना। तो दीज आर सम स्ट्रेटेजिक रीजंस जिनकी वजह से कंपनीज़ इन्वेस्टमेंट करती हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अजीज़ तलबा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन्हें मैनेजमेंट रिटेन करती है टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर और द ऑपरेटिंग साइकिल, विच एवर इज लॉन्गर। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश कंसीडर की जाती हैं। बट याद रखिएगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड नहीं होते। कैश इक्विवेलेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स हैं डैट आर बोथ रेडिली कन्वर्टेड टू नॉन अमाउंट्स ऑफ कैश एंड मैच्योर विद इन 3 मंथ्स। के कैश इक्विवेलेंट्स की 2 करैक्टरिस्टिक्स हैं कि नॉन अमाउंट्स में कन्वर्ट किए जाते हैं और विद इन 3 मंथ्स ये मैच्योर हो जाते हैं, तो कैश इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। जबकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स विद इन 1 ईयर कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू कैश। इसके बरअक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश, और ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं विच आर नॉट इंटेंडेड टू बी कन्वर्टेड टू कैश इन द शॉर्ट टर्म, कि इन्हें कैश में कन्वर्ट करने के लिए परचेज नहीं किया जाता, बल्कि बिजनेस में रिटेन करने के लिए परचेज किया जाता है। अजीज तलबा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में वो फंड्स आते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए हों, जैसा कि बॉन्ड सिंकिंग फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड है, इन्वेस्टमेंट इन अदर एसेट्स है, जो कंपनी के ऑपरेशंस में यूज ना हों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर रिपोर्टेड इन द नॉन करंट सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट, कि इन्हें बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स के सेक्शन में रिपोर्ट किया जाता है, जिसे आमतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के नाम से टाइटल दिया जाता है। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डेट सिक्योरिटीज एंड इक्विटी सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट डेट सिक्योरिटीज में भी की जा सकती है और इक्विटी सिक्योरिटीज में भी की जा सकती है। डेट सिक्योरिटीज रिफ्लेक्ट करती हैं क्रेडिटर रिलेशनशिप को, जैसा कि इन्वेस्टमेंट इन नोट्स, बॉन्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। दे आर इशूड बाय गवर्नमेंट्स, कंपनीज
and individuals, whereas equity securities reflect karti hain ownership relationship ko, such as shares of stock issued by companies. Companies jo stock issue karti hain, agar wo purchase kar liye jayen, to these are known as the equity securities. Dear students, now we will discuss what are the different classifications of securities. Jaisa ki aap screen par dekh rahe hain, here is a chart which shows the different classifications of securities. Dear students, jaisa ki aap screen par dekh rahe hain, here is a schedule which shows different classification of securities. Accounting for investments depends karti hai teen factors par, ki security ki type kya hai, debt security hai ya equity security hai. 2. Intent to hold the security short or long term, ki security aap long term period ke liye retain karenge ya short term period ke liye retain karenge. 3rd factor is percentage ownership in and other companies equity security, ki agar aapne equity securities retain ki hain to kitni percentage of ownership aap retain karte hain us company ki. Pehli class trading, ki aapne trading purpose ke liye securities retain ki hain. Trading securities may be debt and non-influential equity that are actively traded. Aur trading securities ko hamesha hum fair value par report karenge. Second class is held to maturity securities. Held to maturity securities are debt securities which are intended to be held until maturity. Aur in securities ko hum amortized cost par record karenge. Jaisa ke long term bonds hain. Third class is available for sale securities. Available for sale securities includes debt and non-influential equity securities. Like the trading securities, available for sale securities ko bhi fair value par hi report kiya jayega. But there is some difference in reporting of trading and available for sale securities. Next class is significant influence securities. कि अगर आप इक्विटी सिक्योरिटीज रिटेन करते हैं विद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो इन सिक्योरिटीज को इक्विटी मेथड के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट किया जाएगा. एंड द लास्ट क्लास इज कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस कि अगर इक्विटी सिक्योरिटीज रिटेन की जाती हैं बाय अ कंपनी विद कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस तो इसे हम कंसोलिडेशन मेथड के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करेंगे. नाउ we will discuss one by one the accounting treatment of these securities. Sabse pehle hum trading securities ke bare mein discuss karenge ki trading securities hain kya aur inki accounting treatment kaise ki jati hai. Trading securities are debt and equity securities that the company intends to actively manage and trade for profit. Ek to ye ke trading securities mein debt और इक्विटी सिक्योरिटीज दोनों इंक्लूड होती हैं. दूसरा, कंपनीज इन सिक्योरिटीज को एक्टिवली मैनेज करती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए. फ्रीक्वेंट परचेजेस एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड क्योंकि मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है थ्रू परचेजिंग एंड सेलिंग, तो परचेजिंग एंड सेलिंग भी फ्रीक्वेंटली की जाती है. द इंटायर पोर्टफोलियो ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज इज रिपोर्टेड एट इट्स फेयर वैल्यू. जितना भी पोर्टफोलियो होगा तमाम की तमाम ट्रेडिंग सिक्योरिटीज का, उनको हम फेयर वैल्यू पर रिपोर्ट करेंगे. और फेयर वैल्यू पर रिपोर्ट करने के लिए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करना पड़ेगी फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज. इस तरह जो भी अनरियलाइज्ड गेन होगा या लॉस होगा फ्रॉम द चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज एंड द कॉस्ट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज, उसे हम इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करेंगे. तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग द ट्रेडिंग सिक्योरिटीज. नाउ विद द एग्जाम्पल वी विल इलस्ट्रेट हाउ टू रिपोर्ट ट्रेडिंग सिक्योरिटीज. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्कॉम्स पोर्टफोलियो ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज हैड अ टोटल कॉस्ट ऑफ $11,500 and a fair value of $3,000.
13,000 on December 31st, 2010 कि कंपनी की सिक्योरिटीज़ जो हैं ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ उनकी टोटल कॉस्ट 11,500 है और रिपोर्टिंग टाइम पर उनकी फेयर वैल्यू 13,000 है। द फर्स्ट ईयर इट हेल्ड ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ 31 दिसंबर को हम अनरियलाइज्ड गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे। इनकी कॉस्ट 11,500 है जबकि फेयर वैल्यू 13,000 है, तो इस तरह वी विल गेट 1,500 अनरियलाइज्ड गेन। अनरियलाइज्ड गेन को रिकॉर्ड करने के लिए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट किया जाएगा 1,500 से और अनरियलाइज्ड गेन इनकम क्रेडिट किया जाएगा 1,500 से। देन वी विल सी हाउ टू रिपोर्ट इन बैलेंस शीट दीज सिक्योरिटीज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिंग एट कॉस्ट लिखेंगे हम 11,500 से, ऐड करेंगे इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स 1,500 एंड इन दिस वे वी विल रिपोर्ट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एट फेयर वैल्यू विद द अमाउंट $13,000 और सिंपली हम ट्रेडिंग सिक्योरिटीज को फेयर वैल्यू पर डायरेक्टली भी रिपोर्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी कि अगर इन सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है, देन क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी। इसी एग्जांपल को हम कैरी ऑन करते हैं कि अगर टेक कॉम अपनी ट्रेडिंग सिक्योरिटीज जिनकी कॉस्ट 1,000 है 1,200 में सेल कर दे तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। वी विल रिसीव कैश अमाउंटिंग 1,200, कैश डेबिट किया जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा विद द अमाउंट ऑफ इट्स कॉस्ट 1,000 एंड गेन ऑन सेल ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज विल बी रिकॉर्डेड गेन ऑन सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स 200। तो इस तरह हम सेलिंग ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज को रिकॉर्ड करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज। डियर स्टूडेंट्स, हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज आर डेट सिक्योरिटीज अ कंपनी इंटेंड्स एंड इज एबल टू होल्ड अनटिल मैच्योरिटी। दे आर रिपोर्टेड इन द करंट एसेट्स इफ देयर मैच्योरिटी डेट्स आर विद इन 1 ईयर और द ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। और अगर इन सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी डेट्स आर लॉन्गर देन 1 ईयर और द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, देन इन सिक्योरिटीज को एज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्लासीफाई किया जाता है। पोर्टफोलियो ऑफ हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज को हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर रिपोर्ट करेंगे एंड देयर इज नो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टू द हेल्ड टू मैच्योरिटी पोर्टफोलियो। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज एंड व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। डियर स्टूडेंट्स, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज आर डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज विच आर नॉट क्लासिफाइड एज ट्रेडिंग और हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज। इन सिक्योरिटीज को कंपनी एक्टिवली मैनेज नहीं करती लाइक द ट्रेडिंग सिक्योरिटी। अगर इन सिक्योरिटीज को परचेज करने की इंटेंशन विद इन 1 ईयर या विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल सेल करना हो तो ये सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कहलाएंगी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहलाएंगी। अदरवाइज अगर इंटेंशन 1 साल से ज़्यादा अरसे तक रिटेन करना हो तो ये सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहलाएंगी। लाइक द ट्रेडिंग सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो को भी फेयर वैल्यू पर रिपोर्ट किया जाता है एंड दिस इज डन विद अ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टू द टोटल पोर्टफोलियो कॉस्ट। जो भी अनरियलाइज्ड गेन और लॉस होगा इसे हम इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट में एज पार्ट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम रिपोर्ट करेंगे। दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग सिक्योरिटीज एंड अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज के अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज में जो हमें गेन या लॉस अनरियलाइज्ड रिपोर्ट होगा उसे हम इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट में एज अ पार्ट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम रिपोर्ट करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस विद सब एग्जाम्पल। इफ यू सी डैट म्यूजिक सिटी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अज्यूम डैट म्यूजिक सिटी
had no prior period investments in available for sale securities other than those purchased in the current period. और ये table show करता है उन securities की cost and fair value at the end of 2010. Improved bonds, इनकी cost 30,000 है जबकि fair value 29,050 है. Intrex common stock 500 shares हैं जिनकी cost 43,000 और fair value 45,500 है. अगर individually इन debt and equity securities का unrealized gain या loss calculate किया जाए तो we get 950 unrealized loss of improved bonds and unrealized gain from common stock that is 2500 and cumulatively we will get 1550 unrealized gain. इस unrealized gain से related जो entry pass की जाएगी उसमें हम fair value adjustment available for sale debit करेंगे 1550 से और unrealized gain इक्विटी क्रेडिट किया जाएगा 1550 से. एसेट साइड पर रिपोर्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हम लिखेंगे एट कॉस्ट कम्युलेटिव 73,000, अनरियलाइज्ड गेन हमें हुआ है 1550 का और फेयर वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इज 74,550. नाउ अज्यूम दैट एट द एंड ऑफ इट्स नेक्स्ट कैलेंडर ईयर December 31st, 2011, Music City's portfolio of long-term available for sale securities has an $81,000 cost and an $82,000 fair value. It records the adjustments to fair value as follows. At the end of December 31st, 2011, we come to know that हमारे पास available for securities का जो balance है उसकी कॉस्ट 81,000 है और फेयर वैल्यू 82,000 है. इन दिस वे वी विल कैलकुलेट दैट ऑलरेडी वी हैव 1550 अनरियलाइज्ड गेन इक्विटी बैलेंस जबकि एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड दिस बैलेंस शुड बी 1,000. सो द डिफरेंस ऑफ अनरियलाइज्ड गेन विल बी 550. जैसा कि आप टी अकाउंट्स में देख रहे हैं अनरियलाइज्ड गेन इक्विटी का टी अकाउंट और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अवेलेबल फॉर सेल का टी अकाउंट जो ऑलरेडी बैलेंसेस थे पहले हमने वो बैलेंसेस रिपोर्ट किए और एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड क्या बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस हमने रिपोर्ट किया. सो वी हैव टू पास एडजस्टमेंट्स ऑफ अमाउंटिंग 550. वी विल पास एडजस्टमेंट अनरियलाइज्ड गेन इक्विटी डेबिट 550 से and fair value adjustments available for sale credit 550 से. यानी जो हमने last 1550 gain record करने की entry की थी अब वो gain कम होकर 1000 हो गया है तो जितना decrease आया है उस gain में उस entry को हम reverse कर देंगे. तो in this way we will report available for sale securities. तो अजीज तलबा आज हमने इस program में इन्वेस्टमेंट्स की बेसिक्स के बारे में जाना कि इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या, इनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्या हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज एंड अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज क्या होंगी. उम्मीद है आप इस प्रोग्राम को बखूबी समझ पाए होंगे. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रोग्राम और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी. अपना और अपने गिर्दोनवाह का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.